नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे लेटेस्ट जॉब चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे SCB की आई वैकेंसी के बारे में। सिकंदराबाद कैंटोनमेंट बोर्ड की तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया, सो आपके लिए बहुत ही अच्छी गुड न्यूज है। यहाँ पर गाइस बहुत सारी वैकेंसीज आई हुई है, यहाँ पर गाइस सैलरी बहुत अच्छी रखी गई है। पूरे नोटिफिकेशन के बारे में डिटेल से बताऊंगी, क्या क्वालिफिकेशन है, क्या सैलरी है, क्या एज लिमिट है, सो बने रही वीडियो के आखिरी तक। अगर वीडियो हेल्पफुल लगे आपके लिए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। सो चलिए गाइस स्टार्ट कर लेती हूँ। यहाँ पर गाइस अगर मैं बात करूँ जो ने फर्स्ट वैकेंसी यहाँ पर आई हुई असिस्टेंट कैंटोनमेंट प्लानर की तरफ से, यहाँ पर सैलरी आपको 31,460 से लेकर यहाँ पर 84,970 रुपये सैलरी मिल जाएगी। यहाँ पर टोटल 4 वैकेंसी रखी गई है, जो कि जनरल के लिए 3 रखी गई है एंड OBC के लिए 1 वैकेंसी रखी गई है। यहाँ पर एज लिमिट की बात करूँ तो जनरल के लिए 18-25 ईयर्स एंड यहाँ पर OBC कैटेगरी के लिए यहाँ पर 28 ईयर्स रखी गई है। यहाँ पर गाइस अगर मैं बात करूँ क्वालिफिकेशन की, क्वालिफिकेशन यहाँ पर डिग्री है BE BTech सिविल में, आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट बात कर लेती हूँ दोस्तों, जो असिस्टेंट इंजीनियर सिविल में वैकेंसी आई हुई है, सैलरी आपको मिल जाएगी अच्छी 31,460 से लेकर यहाँ पर 84,970 रुपये यहाँ पर सैलरी रखी गई है। टोटल 2 वैकेंसी है, जो कि जनरल के लिए 1 एंड BSc कैटेगरी के लिए यहाँ पर 1 रखी गई है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वालिफिकेशन की बात दोस्तों, तो क्वालिफिकेशन यहां पर डिग्री BE BTech सिविल भी है, आप जो है तो फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट वैकेंसी जो यहां पर आई हुई है, नेक्स्ट वैकेंसी यहां पर आई हुई है सैनिटरी इंस्पेक्टर की। यहां पर गाइस जो है तो सैलरी आपको 24,440 रुपये रखी है। 1 वैकेंसी यहां पर रखी गई है, जो कि SC कैटेगरी के लिए रखी गई है। एज लिमिट यहां पर 18-30 ईयर्स रखी गई है। यहां पर बैचलर डिग्री है गाइस, यहां पर आप देख सकते हैं बायोलॉजिकल साइंस से आप बिल्कुल फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। सो आपके लिए बहुत ही अच्छा मौका है यहाँ पर गाइस। नेक्स्ट यहाँ पर बात करेंगे असिस्टेंट मेडिकल ऑफिसर की आई, जिसमें सैलरी आपको 40,270 रुपये मिल जाएगी। यहाँ पर टोटल 5 वैकेंसी है, जनरल के लिए 2 रखी गई है, OBC के लिए 2, ESC के लिए 1 रखी गई है। यहाँ पर एज लिमिट गाइस आप यहाँ पर जो है तो देख सकते हैं, यहाँ पर MBBS डिग्री है, आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट वैकेंसी आई हुई है फार्मेसिस्ट की, यहाँ पर जो है तो एलोपैथी में, जिसमें सैलरी आपको 21,230 रुपये यहाँ पर मिल जाएगी। यहाँ पर टोटल वैकेंसी 2 रखी गई है, जिसमें OBC के लिए 1 रखी गई है, SC के लिए 1 रखी गई है। बीफार्मा है, आप बिल्कुल फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। बैचलर डिग्री है फार्मेसी में, एम्फार्मा है, आप फॉर्म को जो है तो फिलअप कर सकते हैं। अगर गाइस यहाँ पर जो है तो आपके पास जो है तो एम्फार्मा नहीं भी है, बिल्कुल आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी यहाँ पर आई हुई है नर्स की गाइस, जिसमें सैलरी आपको 25,140 रुपये रखी गई है एंड यहाँ पर 2 वैकेंसी है, OBC के लिए 1, SC के लिए 1 वैकेंसी। BSc नर्सिंग 3 ईयर्स, जनरल नर्सिंग आपके पास है, आप जो तो फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर गाइस बात करूँ लैब असिस्टेंट की, जिसमें सैलरी आपको रखी गई है 13,000 से लेकर 40,270 रुपये रखी गई है। 1 वैकेंसी, जो कि जनरल कैटेगरी के लिए रखी गई है। एज लिमिट यहाँ पर 18-25 ईयर्स रखी गई है। आप 12th स्टैंडर्ड से पास हैं बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री से, आप जो है तो फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर गाइस अगर मैं बात करूँ वैकेंसी जो आई हुई है ड्रेसर की आई हुई है, जिसमें गाइस 13,000 से लेकर यहाँ पर सैलरी आपको 40,270 मिल जाएगी। यहाँ पर 5 वैकेंसी रखी गई है गाइस, यहाँ पर जनरल के लिए 2 रखी गई है, OBC के लिए 2 रखी गई है, SC के लिए 1 वैकेंसी रखी गई है। 12th स्टैंडर्ड पास है, आप बिल्कुल फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। यहाँ पर गाइस फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी साइंस से आप बिल्कुल फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। यहाँ पर वैकेंसी आई हुई है वार्ड सर्वेंट की, यहाँ पर गाइस जो है तो 2 वैकेंसी है, जो कि OBC कैटेगरी के लिए रखी गई है। आप 10th पास हैं, आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। सो गाइस आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो है तो एज लिमिट गाइस जैसे कि आप मैं पहले भी बता चुकी हूँ, यहाँ पर हर एक पोस्ट क्लेम्स 5-9 से लेकर यहाँ पर एज लिमिट जो रखी गई है 18-25 ईयर्स रखी गई है एंड यहाँ पर पोस्ट नंबर 4 के लिए यहाँ पर जो है तो 18-32 ईयर्स रखी गई है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। एंड यहाँ पर जो वैकेंसी SC ST OBC कैंडिडेट के यहाँ पर एज में छूट आपको मिल जाएगी, आप यहाँ पर देख सकते हैं। गाइस यहाँ पर मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करूँ तो यहाँ पर गाइस आपसे जो है तो मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन यहाँ पर CBT एग्जाम आपसे जो है तो लिया जाएगा एंड इसके बाद गाइस जो है तो आपसे इंटरव्यू लिया जाएगा। चलिए गाइस यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ।
तो यहाँ पर गाइस पोस्ट नंबर 1 और 2 के लिए यहाँ पर मैं बात करती हूँ जनरल इंटेलिजेंट एंटीजन क्वेश्चन आएंगे, जनरल अवेयरनेस के, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के, इंग्लिश कंप्रिहेंशन के एंड सिविल इंजीनियरिंग के यहाँ पर जो है तो क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। यहाँ पर आपके पास जो है तो टोटल 120 यहाँ पर जो है तो क्वेश्चन आने वाले हैं एंड यहाँ पर मार्क्स भी 120 के लगेंगे। यहाँ पर गाइस आपके पास जो है तो टाइमिंग रहेगा 100 मिनट्स, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर अगर मैं बात करूँ पोस्ट नंबर 3 के लिए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन पूछे जाएंगे जनरल इंटेलिजेंट एंड इंजीनियरिंग, जनरल अवेयरनेस, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, जनरल इंग्लिश कंप्रिहेंशन एंड यहाँ पर गाइस जिस भी आप पोस्ट के लिए बायोलॉजिकल साइंस, यहाँ पर सैनिटरी इंस्पेक्टर एंड ट्रेनी कोर्स के यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें यहाँ पर 120 क्वेश्चन रहने वाले हैं एंड मार्क्स भी 120 लगने हैं एंड यहाँ पर जो है तो 100 मिनट आपके पास रहने वाला है। नेक्स्ट यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं पोस्ट नंबर 4 के लिए भी आपको जो है तो बताया गया है एंड यहाँ पर 5 के लिए बताया गया है, 6 के लिए भी बताया गया है, 7 के लिए, 8 के लिए यहाँ पर गाइस आप देख सकते हैं, 9 के लिए यहाँ पर गाइस जो है तो आप को बता दूं 9 के लिए यहाँ पर जनरल इंटेलिजेंट एंड रीजनिंग क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जनरल अवेयरनेस के, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के, इंग्लिश कंप्रिहेंशन के, जिसमें यहाँ पर 90 मिनट्स आपके पास रहने वाले हैं एंड यहाँ पर 90 क्वेश्चन 90 मार्क्स लगेंगे आपके। सो दोस्तों आप देख सकते हैं इसके बाद आपसे गाइस जो है तो आपसे इंटरव्यू एंड यहाँ पर प्रैक्टिस टेस्ट यहाँ पर जो है तो आपसे लिया जाएगा। सो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं गाइस यहाँ पर जो है तो आपको सिलेबस भी बता दिया गया है कौन कौन से चैप्टर के यहाँ पर कौन कौन से टॉपिक्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पर गाइस हम एप्लीकेशन फ़ी की बात करेंगे, चलिए देख लेती हूँ। यहाँ पर गाइस जो है तो पोस्ट नंबर 1 और 6 के लिए यहाँ पर जनरल के लिए 500 रखी गई है, ओबीसी के लिए यहाँ पर 500 रखी गई है एंड एससी एसटी पीडब्ल्यूडी एक्स सर्विस मैन डिपार्टमेंटल कैंडिडेट के लिए यहाँ पर जो है तो 200 वैकेंसी दोस्तों एप्लीकेशन फ़ी रखी गई है। नेक्स्ट यहाँ पर गाइस देख लेते हूँ पोस्ट नंबर 7 और 9 के लिए जनरल के लिए 300, ओबीसी के लिए 300, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी एक्स सर्विस मैन डिपार्टमेंटल कैंडिडेट के लिए यहाँ पर 100 रुपये एप्लीकेशन फ़ी रखी गई है। सो गाइस आप यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेट्स की बात कर लेती दोस्तों, तो इसके फॉर्म फिल करने की जो स्टार्टिंग डेट रखी गई है गाइस तो 1/8/2021 रखी गई है एंड लास्ट की बात करूँ तो 21/8/2021 रखी गई गाइस। यहाँ पर जो है तो एडमिट कार्ड अभी नहीं आया है, अभी डेट डिक्लेयर नहीं की गई है, जब भी डेट इसकी डिक्लेयर की जाएगी तो आपको जो है तो वेबसाइट में, इसकी वेबसाइट पोर्टल में जाकर आप जो है तो वहाँ से पता कर सकते हैं। सो दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं इसकी वेबसाइट दी गई है, आप एडमिट कार्ड या कॉल लेटर के लिए यहां पर ऑनलाइन टेस्ट के लिए इसकी ऐप जो है तो वेबसाइट दी गई है। सो दोस्तों बहुत ही अच्छा मौका है यहां पर गाइस, कोई भी यहां पर TA DA आपको जो है तो नहीं मिलेगा यहां पर दोस्तों, जो है तो आपको अदर अनाउंस जो है तो डेली अनाउंसमेंट जो होंगे वो आपको जो है तो यहां पर मिल जाएंगे। सो दोस्तों अगर आप एलिजिबल हैं तो फॉर्म को ज़रूर फिलअप करिएगा क्योंकि यहाँ पर बहुत ही अच्छा मौका है, यहाँ पर 12th ग्रेजुएशन डिग्री आपके पास है सिविल में, आप बिल्कुल फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। सो दोस्तों वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स।